हाल ही में खेसारी लाल यादव लाइव आए और आकर के अपने नए एल्बम तिरंगे के सम्मान में का प्रमोशन करते नजर आए। बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव का ये 2019 का सबसे पहला देशभक्ति सॉन्ग है और इस दौरान उन्होंने लाइव आकर अपने इस खास एल्बम को लेकर क्या कुछ बातें कही, चलिए सुनाते हैं आपको इस खास वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, मैं खेसारी लाल यादव आप सबको दिल से प्रणाम कर रहा हूँ और आज बहुत दिन बाद मैं लाइव आया हूँ। शूट में गुजरात शूट पे हूँ, थोड़ा सा मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा 3 दिन से ख़राब है और इसलिए लाइव आया हूँ कि सबको एक भोजपुरी सिंगरों के ऊपर एक लक्षण लग गया है कि अश्लीलता है, तो मैंने एक गाना गाया है अपने देश के लिए। तो आप जैसे बाकी इंजॉय वाले गाने के लिए टिकटॉक पे आप लोग ढेर सारे वीडियो बनाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कभी कभी हर आदमी को अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। और एक बहुत खूबसूरत, मुझे तो खूबसूरत लग रहा है, शायद आपको क्या ऐसा लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमने एक शुरुआत की है और ऐसे हर आदमी शुरुआत करेगा। देखा देखी पुण्य होता है, देखा देखी पाप होता है और मैं कुछ भी करता हूँ तो लोगों को लगता है कि भाई ये प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो मेरी विचारधारा है और दुनिया उसको प्रचार समझती है, तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, वो मेरा सोचने का तरीका है, अब उसको भी दुनिया प्रचार समझती है तो ऐसा है नहीं। लेकिन मैंने एक देशभक्ति तिरंगे के सम्मान में मैंने एक गाना गाया है और आज वो रिलीज हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब उस चैनल को इतने सब्सक्राइब करें और उस गाने को इतने फॉरवर्ड करें, उस गाने को इतने प्यार दें कि हर आदमी ऐसा गाने गाने का कोशिश करे और आप सबका प्यार पाने का कोशिश करे। और कुछ लोग अनलाइक भी किए हैं, मैंने देखा उस गाने को। देश के लिए भी अगर हम कुछ करते हैं उसमें भी आप लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम है, वो अच्छी बात नहीं है। आपको, आप जिस स्टार के सपोर्टर हैं ठीक है, हर आदमी, हम सब लोग एक ही हैं, हम सारे भाई एक हैं, हर स्टार हर कलाकार एक होता है। आप लोग आपस में मिलके उस चीज़ को, आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप लोग सम्मानित लोग हैं, आप लोग भगवान स्वरूपी देवता रूपी श्रोता हैं, आप लोग के बिना हमारी जीवन अधूरी होती है। हमेशा आपके प्यार का कामना करता है हर वो स्टार, हर वो कलाकार। तो देश के लिए हो या किसी आस्था के लिए हो, तो प्लीज़ आप लोग उस पर अनलाइक ना करें। मैं तो यही चाहूँगा कि आपके अंदर अगर मन में भावना है या नहीं है, लेकिन अगर देश की बातें आती है तो वहाँ पे तो आपको एकता दिखानी ही पड़ेगी और हमें सब, हम सबको दिखानी चाहिए। तो आप टिकटॉक का सबसे बड़ा, अगर देश के लिए आप प्यार करते हैं तो टिकटॉक का सबसे बड़ा गाना होना चाहिए ये। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग हमेशा अपने इंजॉय के गाने के लिए टिकटॉक या शेयर करना या खूब सुनना। और मेरी एक इच्छा है जी, हर स्कूल में हर चौराहे पे इस गाने को आप सबको जरूर बजवाना चाहिए कि ताकि इसको देखकर हर कलाकार अच्छी चीज़ें गाने की कोशिश करे, अच्छी बातें करने की कोशिश करे और सबको सबका प्यार मिले। तो मैं यही चाहता हूँ आप सबसे कि आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए इस गाने को तिरंगे के सम्मान में। और नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट।